गई सैनिक चंदौली की दो और गाजीपुर मऊ और आजमगढ़ की एक एक युवती का चयन। सेना ने पहली बार इस साल सोल्जर जनरल ड्यूटी के पद पर देश भर से 100 युवतियों को चयन किया है। ये वीरांगनाएं मिलिट्री पुलिस में देश सेवा करेंगी और इनमें पूर्वांचल की 5 युवतियां भी शामिल है। सेना में भर्ती होकर पूर्वांचल का मान बढ़ाने वाली युवतियों में चंदौली की रागिनी सिंह और नेहा मौर्या, गाजीपुर की संध्या गुप्ता, मऊ की शालिनी गुप्ता और आजमगढ़ की डिंपल यादव शामिल हैं। इन्हें बेंगलुरु स्थित कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में इसी महीने के अंतिम सप्ताह से प्रशिक्षित किया जाएगा। यहां सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के बाद इन्हें देश के भी हिस्से में मिलिट्री पुलिस यूनिट में तैनाती के लिए भेज दिया जाएगा। बलिया की अंजलि गुप्ता, गाजीपुर की अंकिता प्रजापति और आजमगढ़ की प्रियंका यादव रिजर्व में हैं। मिलिट्री पुलिस से पहले सिर्फ सेना में युवतियों को मेडिकल कोर, लीगल कोर, एजुकेशन कोर, सिग्नल कोर और इंजीनियरिंग कोर में से जोड़कर ही देश सेवा का मौका मिलता है। वाराणसी स्थित सेना के भर्ती निदेशक कर्नल आरएस ठाकुर ने बताया कि सेना में भर्ती होने वाली युवतियों की आयु 17.5 से 21 साल तक होनी चाहिए। सेना के शहीदों के विधवाओं को 30 साल तक की उम्र में छूट का प्रावधान है।